मोहना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हैं और यहाँ पर पीछे कुछ रूम्स को डिमोलिश भी किया था, नए बनाने थे, लेकिन अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करी है। देख रहे हैं सब तोड़े हुए हैं रूम्स और 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पे छठी क्लास से 12वीं क्लास तक। और क्योंकि क्लासरूम्स कम हैं, कम से कम 41 क्लासरूम्स नए चाहिए इनको, तो या तो बच्चे देखिए कैसे ओपन में पढ़ रहे हैं, देखिए चारों तरफ ये सारे बच्चे ओपन में पढ़ रहे हैं। जो कुछ क्लासरूम्स हैं वो डेंजरस क्लासरूम, जैसे ये सामने ये पूरी बिल्डिंग क्लास डेंजरस क्लासरूम्स की बिल्डिंग है, यहाँ भी 2-3 क्लासेस चल रही हैं। इधर ये बच्चे भी देख सकते हैं बाहर बैठे हुए, इधर भी बाहर बैठे हुए, और इनकी रिक्वायरमेंट कम से कम 41 नए क्लासरूम्स की है। और पिछले 1.5 साल से तो इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है, और हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय से ये जो है बिल्डिंग जो है डेंजरस है। तो ये जो बिल्डिंग इन्होंने तोड़ी है, यहाँ पर कम से कम 41-42 कमरे और बनाने की ज़रूरत है, और सरकार को चाहिए इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और ये बच्चों को अगर ऐसे ही बैठना पड़ेगा तो कैसे पढ़ाई होगी। हम क्लासरूम्स में भी देख रहे हैं कि या तो ओवर क्राउडेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब उसमें बल्ब एक छोटा सा बल्ब चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स के अंदर लोगों की आँखों पे बच्चों पे अफेक्ट करेगा। ये बिल्डिंग तो नई लगती है, ये कब बनी है हुकम जी? ये बिल्डिंग कब बनी है? हाँ, 2005-06 में ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर भी जो है जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए होती है क्लासरूम के अंदर वो नहीं मिलेगी, और जो स्टैंडर्ड के डेस्क हैं वो भी स्टैंडर्ड के डेस्क नहीं है। एक एक डेस्क के ऊपर 2 की जगह 3-3 बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सारा जो हॉल है सारा का सारा, मतलब जो ये देखिए पूरा स्कूल का आप ले सकते हैं, ये यहाँ पे क्लासरूम से बिल्डिंग थी यहाँ पे जो तोड़ी गई है, और ये डेंजरस बिल्डिंग है ये स्कूल। ये जो पोर्शन है ये अभी बने हैं 10 साल पहले लगभग, और इसमें भी इतने बच्चे 2000 बच्चे कैसे बैठेंगे है। ये बॉयज़ का स्कूल है और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चे का प्लेग्राउंड है? हाँ, प्लेग्राउंड स्कूल में है नहीं है। अभी जो कह रहे हैं फिट इंडिया की बात आ रही है, तो हर स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो इस पर आप कुछ कह सकते? फिट इंडिया, हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट तो हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ये प्लेग्राउंड हुआ करता था। नहीं, प्लेग्राउंड है ही नहीं यार, देखिए पूरे स्कूल के अंदर सारा कंक्रीट है ये और कोई प्लेग्राउंड नहीं है। तो वो जो फिट इंडिया मूवमेंट की जो बात हो रही है, ग्राउंड को स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया। हाँ हाँ, ग्राउंड जो था उसको कोई स्टेडियम बना दिया इन्होंने, और जो बच्चों का स्कूल के अंदर जो रेगुलर उनको मिलना चाहिए था प्लेग्राउंड वो है ही नहीं, और अब फिट इंडिया मूवमेंट का क्या होगा भगवान ही भरोसे है।